सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर, यानी कि आरवीएनएल। आप लोग देखोगे भाई, आरवीएनएल में आज हमें काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है, तो कल के कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में आप लोगों को कुछ एक खबरें निकल कर आई है सामने, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत से निवेशकों के लगातार कमेंट आ रहे हैं इस शेयर को लेकर कि भाई यहाँ पर हमें आगे क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है। आज स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली रही है, ऑलरेडी मैंने मार्केट के ऊपर एक वीडियो डाला है, आप लोग जाकर देख लेना। अभी मार्केट में जो आज सडनली फॉल बना उसकी वजह से स्टॉक में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो पाई, अदरवाइज ये जो शेयर है एक जबरदस्त एक्शन में हो सकता था अगर आज मार्केट भी साथ देती। बिकॉज कल स्टॉक में आपने देखा होगा भाई, कंपनी में दो तो ऑर्डर विन किए थे, ठीक है, लगभग 387-400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर थे भाई दो। उसके बाद आप लोग देखो कंपनी ने एक MOU भी साइन किया भाई, तो ये खबर थी दो पॉजिटिव। आज आप लोग देखोगे एक और खबर आते हुए नजर आई है। आज कंपनी के अंदर जो खबरें आई हैं उनके ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक के बारे तो मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं भाई, तो चलिए उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई, कंपनी की तरफ से एक ये अपडेट आते हुए नजर आई है। NSE/BSE की साइट पर चेकआउट कर सकते हो 10 तारीख की, यानी कि आज के दिन की ये न्यूज़ है भाई। और इसके बाद आप लोग देखो भाई हमें क्या देखने को मिला इसके अंदर। यहाँ पर देखोगे भी जो IMS कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ इसने जो भी एक और MOU साइन किया है। और यहाँ पर जो कंपनी इसको प्रोवाइड करवाएगी, जो सर्विस प्रोवाइड कराएगी, वो आप लोग देखोगे भी कैसी एडवाइजरी सर्विस होगी, टेक्निकली जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाएगी, जो आगे रेलवे के अंदर जो भी रेलवे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में होंगे, या फिर आगे जो कंपनियाँ बनाएंगी टनल, रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ब्रिज, बिल्डिंग वर्क्स, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और क्या बोलते हैं इरीगेशन्स, पावर ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में, सोलर सेक्टर, विंड सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर, तो इन सभी के अंदर जो है भी कंपनी इनको सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। और ये नेपाल से बड़ी खबर आई है भाई, तो ये अपडेट होगी बिल्कुल पॉजिटिव। एक और फिर से पहले दादा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन हुआ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग। फिर आप लोग देखो साउथ अफ्रीका की कंपनी है उसके साथ हुआ मिडिल ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद अभी के टाइम एक और ये नेपाल की कंपनी के साथ हो गए, नेपाल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके लिए जो है भी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। तो ये एक मजबूती आप लोग देखो आने वाले टाइम में किस प्रकार से रैली ये जो शेयर है वो हमें दिखाता है, तो इसलिए इस शेयर को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना आई थिंक सही है। तो चलिए ये तो हो गई न्यूज। अब आप लोग एक 1400 करोड़ के बड़े सौदे की भी खबर सामने आई है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखो CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली है। आरवीएनएल शेयर रैली 10% ऑन MOU। तो MOU तो साइन किया ही किया इसने आज। आज आप लोग देखोगे ऑर्डर विन हुए कल के दिन। आज जो हमें खबर देखने को मिले वो क्या है, अनदर 1408 करोड़, यानी 1408 करोड़ रुपए की ब्लॉक जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली, यानी ब्लॉक डील एक और हो गई भाई। दो दिन से लगातार ब्लॉक डील हो रही है, आपने देखा होगा अभी पहली जो हुई थी 840 करोड़ की, ठीक है, लगभग 1.5 करोड़ शेयर की। दूसरी हुई थी कल, आपने देखा होगा 1.4 करोड़ शेयरों की, जो कि 827 करोड़ रुपये के आसपास की थी। और आज एक 1408 करोड़ रुपये की हो गई है, और इसमें लगभग आप लोग देखोगे कितने शेयर हैं, 2.4 करोड़, जी हाँ 2.4 करोड़ शेयरों की आज वो एक ब्लॉक डील हुई है। तो ये 1408 करोड़ का जो ना भाई ये ऑर्डर नहीं है, बहुत से निवेशकों के लगातार कमेंट है कि कंपनी को एक और ऑर्डर मिल गया है 1408 करोड़ का, तो ये ऑर्डर नहीं है, ब्लॉक डील हुई है 1408 करोड़ की, जो कि 2.4 करोड़ शेयर, यानी कि यहां पर किसने तो बेचे हैं भाई शेयर, और जिसने खरीदे हैं वो आगे के बारे में सोच समझ कर खरीद रहे हैं। तो कल जो ब्लॉक डील हुई थी वो 585 रुपए के भाव में हुई थी, इससे पहले जो ब्लॉक डील हुई थी वो आपने देखा होगा लगभग 565 रुपए के भाव में हुई थी। तो ये ब्लॉक डील किस भाव में हुई चलिए देखते भी, यहाँ पर अगर अपडेट दिया हुआ तो यहाँ पर देखोगे 585 रुपये पर शेयर के भाव में, 580 रुपये पर शेयर के भाव में जो ना भाई ये डील होते हुए नजर आई है, जो कि 1.2% इक्विटी बनता है भाई। तो ये टोटल अपडेट है, और इस अपडेट के बाद ये शेयर हमें एक बार फिर से एक जबरदस्त एक्शन में आते हुए नजर आ सकता है। तो ये डाटा आप तो जो ना भाई देखने को मिल रहा है, अभी आपके सामने है, ये कल हुई थी, परसों हुई थी एक, तो ये लगातार ब्लॉक डील्स होते हुए नजर आ रही है, और आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर अच्छा एक्शन। देखो जो खरीद रहे हैं कुछ ना कुछ सोच समझ के खरीद रहे हैं, 2.5 करोड़ शेयर यार कौन खरीदेगा ऐसे,
कोई बेवकूफ में तो पैसा लगाने से नहीं रहा, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिख रही है। और ग्रोथ मैं आपको बता दूं यार, 90,000 करोड़ की तो ऑर्डर बुक है इसकी, तो 90,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी के पास है। और फिर ऊपर से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कंपनी MOU साइन कर रही है, ठीक है, साझेदारियां कर रही है एक दूसरी कंपनियों के साथ, तो इसलिए ये स्टॉक आगे एक जबरदस्त एक्शन में रहेगा। तो बजट तक या फिर आप लोग देखोगे आगे कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, फिर इस ईयर के एंड में कैसे मूव इसमें आ सकते हैं, कैसे टारगेट दिखा सकते हैं ये। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कल जिस भी भाई ने इस गिरावट में पैनिक सेलिंग किया, इसलिए मैंने देखो भाई पहले भी मैंने कई बार आपको बोला है सबर और खबर शेयरों में रैली लेकर आती है, तो अगर आपके अंदर सबर है तो आप लोग बैठो भाई। अगर जिसने कल पैनिक होकर बेच ही दिया, सबर खो दिया, अपना पेशेंस खो दिया, तो उन्होंने यहाँ पर नुकसान के सिवाय कुछ नहीं झेला है। आज आप लोग देखो स्टॉक गैप अप ओपन हुआ और कहाँ पर जाके टिका है, 216 के आसपास आप लोग देखोगे फिर से स्टॉक गया है। आज आप लोग देखोगे स्टॉक एक अच्छे एक्शन में, और कल ये जो है भी फिर से एक अच्छे एक्शन में होगा, और इसे जो है भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ठीक है। ऊपर में अगर मैं बात करूँ टारगेट की, तो जो सपोर्ट अगर आप लोग लेके चलना चाहो यहाँ पर करंट लेवल के ऊपर, तो भाई वो सपोर्ट यहाँ पर बन सकते हैं लगभग 597-600 रुपये के आसपास का सपोर्ट। और ऊपर में टारगेट की बात करें तो ये शेयर हमें ऊपर में जो है लगभग 650 रुपये से 660 रुपये तक के जो टारगेट्स है वो दिखा सकते हैं बजट तक। तो ये इसके अपडेट्स है भी, इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगे वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।